हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और कई बार आप लोगों ने बोला कि सर टेकला पे वीडियो लाइए, टेकला पे वीडियो लाइए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना कितना देर तक आपको वेट केयर करवाया जाएगा। तो मैंने टेकला पे वीडियो स्टार्ट किया बनाना और टेकला पे ले आ रहा हूँ। मैं बेसिकली टेटली के कई प्रोजेक्ट्स भी कर चुका हूँ, तो मुझे टेकला का काफ़ी थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है। तो आप चाहे काफ़ी कर लीजिए, चाहे अच्छा कर लीजिए, ठीक है। तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ है, जो उसको मैं आप तक शेयर करूँगा। नो वन इज परफेक्ट, सो जो मेरे से हो सकेगा मैं उसको कंप्लीट देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द टेकला देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे आपको इजी रहे। ये एक्चुअली क्या होता है, अगर आपने ऑटो कैड स्टेट प्रो या ईटैप जैसे कोई वीडियो पढ़े होंगे तो उसमें ग्रिड का मतलब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे ऑटो कैड और स्टेट प्रो रैबिट के कई ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें ग्रिड के काम होते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो ग्रिड है ना, यहाँ पे स्पेसिंग्स होती है। देखिए ए बी सी, ए स्पेसिंग्स मीन्स दो ब्लॉक, वन ब्लॉक टू ब्लॉक। तो दो ब्लॉक के लिए कितने नंबर्स लगे, ए बी सी। इधर देखिए दो ब्लॉक, वन टू थ्री, मीन्स एक नंबर ज्यादा। मतलब समझने की कोशिश करो, एक ब्लॉक दो ब्लॉक, दो ब्लॉक के लिए कितने नंबर लगेंगे, ए बी सी। तो वन ब्लॉक दो ब्लॉक, वन टू थ्री। अब इनके बीच में जो स्पेसिंग्स है वो 6-6 मीटर है। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप, जरूरी नहीं कि सारे के सारे 6-6 मीटर पे हो। मैंने बोला हाँ बिल्कुल नहीं हो सकते। तो कैसे करेंगे उसके लिए, उसके लिए जस्ट डबल क्लिक करना है अपने ग्रिड के ऊपर, और दूसरे ग्रिड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे ग्रिड का सेटिंग खुल जाएगा, जिसमें आपको दिया है कि एक्स डायरेक्शन। एक्स बोले तो यार ये देखो, ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, 2 × 6000। फिर भाई अगर आपको चाहिए कि 4-4 मीटर के हो तो 2 × 4000 कर देना। ये ना मैं 19 वर्जन अभी चला रहा हूँ, बाकी में जो प्रोजेक्ट किया हूँ 15 पे किया हूँ, बट ये वर्जन बड़ा अच्छा है यार। तो आप भी जाओ या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, एजुकेशन वर्जन आप स्टूडेंट्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी अच्छा है ये, चल रहा मुझे अच्छा लगा तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो 2 × 4000 मीन दो ग्रिड्स बनेंगी जो 4-4 मीटर पर बनेंगी। आपने बोला सर एक ग्रिड मेरा ना 5 मीटर पर मुझे चाहिए और एक ग्रिड मेरा फिर से 6 मीटर पर चाहिए। अब एक ग्रिड के लिए इंटू वन तो करने की जरूरत है नहीं भाई, एक तो एक ही होता है। तो इसको आपने फाइनल किया और फाइनल करने के बाद यहाँ पे आपने यस कर दिया, भाई ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद देखा कि हमारा जो y डायरेक्शन वहां पे भी 2 × 6000 किया हुआ है। तो 2 × 6000 मतलब ये देखो y डायरेक्शन देख लो, ये है, इसमें 6-6 मीटर के हैं। मैंने बोला नहीं, यहाँ पे ना अपन 5-5 मीटर का करेंगे दो, और एक करेंगे 3 मीटर का, बस इतना बड़ा ही ग्रिड बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने बोला सर ये z डायरेक्शन क्या है, मैंने बोला भाई z मतलब 3 मीटर, एक हाइट देखो यहाँ पे z में रुका है, तो 3 मीटर पे एक बार हाइट पे रुका है, एक बार 5 मीटर के हाइट पे रुका हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इसके बाद एक बार 7 मीटर के हाइट पे रुके तो आप 7 मीटर के, अभी जब मैं ब्रिज वगैरह बनाऊंगा ना बड़े बड़े स्ट्रक्चर से, तो आप उसमें बहुत अच्छे से क्लियर समझ पाओगे कि कैसे ये हम लोग काम कर, ये हम लोग का कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हमने इसको फाइनल कर दिया अपने कोऑर्डिनेट्स को। इसके बाद अब आएंगे देखो यहाँ पे 2 × 4 मतलब दो ग्रिड बन गए यहाँ पे, इसके बाद एक ग्रिड यहाँ पे, एक ग्रिड यहाँ पे, टोटल 1, 2 और 2, 4 चार ग्रिड बने, मतलब 4 ब्लॉक्स बने। 4 ब्लॉक के लिए कितने नंबर चाहिए, 5, ए बी सी डी ई हो गया, हो गया क्या, 3, 3, 6। और हमें कितना चाहिए था, 1, 2, 2, 4, एक ज्यादा हो गया तो एक को कम कर दो, मैं अभी दिखाऊंगा नंबर्स कैसे ये तक होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3 आपको और चाहिए, देखिए 2, 1, 3, अब 3 चाहिए ना, 3 के लिए 4, एक हमने कर दिया और 4, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 + 3000 + 5000 + 7000 है। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट एक्सटेंशन। ये क्या होता है भाई, लेफ्ट एक्सटेंशन ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, वाई में देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना, और वैसे जेड में यहाँ पे यहाँ से कितना चाहिए। ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग यूज नहीं है, जब उसका यूज होगा तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जिसको जिसको चेंज करना है उस पर क्लिक कर दीजिए कि ये हमको चेंज करना है, और यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन होता है। जैसे आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे आप देखिए आपकी ग्रिड बदल चुकी है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ए बी सी E, 1, 2, 3, 4 लोग का नंबर जैसे आए यहाँ पर लोग ने सेट किया था, वैसे के वैसे ग्रिड्स हमारे पास तैयार हो गए। चलिए तो ये रही ग्रिड की छोटी सी सेटिंग्स। अभी हम लोग जो बड़े ग्रिड बनाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें ग्रिड को और अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रिड का कॉम्प्लिकेशन बहुत, ग्रिड जिसने बना लिया ना
वो आगे का मॉडल बहुत इजीली बना देगा यार। चलो देखते हैं, यहाँ पे पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आपको। ये देखिए स्टील स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे स्टील के सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, बीम है, कॉलम है, बीम के अंदर भी अलग अलग टाइप से बीम्स हैं, प्लेट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जाएंगे कंक्रीट कंपोनेंट्स पे, तो ये देखिए कंक्रीट के सारे कंपोनेंट, रीबार वगैरह सब कुछ आ जाएगा, बीम्स, कॉलम, पैनल, स्लैब, स्लैब के अंदर अलग अलग स्लैब, फुटिंग के अंदर दो टाइप की फुटिंग्स। इसके बाद एडिटिंग कुछ कमांड्स आ जाएंगे जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए ग्रिड यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसको भी स्प्लिट कैसे करना है, कंबाइन कैसे करना है। व्यू में हम लोग देखते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की, आपको रेंडर व्यू देखना है कि पार्ट व्यू देखना है कि सैलेड व्यू देखना है, वो सब कुछ यहाँ देखेंगे। रोटेट वगैरह कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। ट्राइंग एंड रिपोर्ट्स देखेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स हम लोग तैयार कर सकते हैं, कैसे सेक्शन व्यू तैयार करेंगे, कैसे डिटेलिंग तैयार करेंगे, कितने नंबर ऑफ मटेरियल लाइक जैसे हम लोग बीवीएस निकालते हैं ना बार बेंडिंग शेड्यूल, वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने एमएम के कितने बार्स लगाए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 6 mm के कितने बोल्ट लगाए, 8 mm के कितने और 12 इंच कितने, 20 इंच के कितने, अलग अलग नंबर्स के कितने नट लगे हमारे किसी भी स्टील स्ट्रक्चर में, वो भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो स्टार्ट में हम लोग सबसे पहले कंक्रीट करेंगे क्योंकि मेरा फेवरेट तो कंक्रीट है यार। तो कंक्रीट पे गए और कंक्रीट पे जाने के बाद देखो यहाँ पे कॉलम होता है, सो हम लोग जस्ट कॉलम पे जैसे मान लो क्लिक कर दिया हमने, और कॉलम पे क्लिक करते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब इससे स्टार्ट तो यहाँ से करना चाहिए जहाँ से हम लोगों ने ये किया है। जैसे कॉलम पे क्लिक किया देखिए आपके पास एक कॉलम तैयार हो गया यहाँ पे। अब आप बोलोगे इसका कॉलम का साइज तो मैंने दिया नहीं, बहुत आसान है कॉलम का साइज देना, जस्ट इस पर क्लिक करिए, आपको कॉलम जितने एमएम का जितने हाइट का चाहिए सब प्रोफाइल आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 400, आपको 400 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 450 चाहिए, होगा कौन है आपको, यहाँ पे 450 पे आ जाइए और यहाँ पे भी 450 पे आ जाइए, ठीक है। अब आपने बोला नहीं मैंने जो मटेरियल यूज किया है वो M25 का मटेरियल है, इसने कहा है M25 मैंने रखा दो M25 का, ठीक है। पोजिशन वगैरह थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, बस इसमें अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम देखेंगे इसका कि टॉप हाइट कितना है। अब जरूरी नहीं कि हमारा 5 मीटर का एक फ्लोर हो, आपको हमारे यहाँ जो फ्लोर होते हैं कितने के होते हैं, 3 मीटर के मैक्सिमम फ्लोर होते हैं, हमने 3 मीटर का इसका फ्लोर बना दिया, 3 मीटर का फ्लोर बनाने का इसको मॉडिफाई कर दिया। देखिए हमारा कॉलम तैयार हो गया ना भाई। अब इस तरीके से हमको एक और कॉलम चाहिए, यहाँ पे बगल में एक और कॉलम यहाँ चाहिए, तो इसके लिए क्या करो राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कॉपी स्पेशल करके लीनियर करके बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो और क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करो, ये आपसे देख लिया रीड कर लिया। अभी बोलता है कि ऐसे कितने कॉपीज चाहिए, तो मैंने मुझे पता है कि 400 मीटर की दो ग्रिड है हमारे पास, तो 2 करके जैसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, देखिए 2 कॉपीज तैयार हो गए इसके। अब आपने बोला कि यार मुझे ना यहाँ से भी कॉपी करके हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी चाहिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, देखिए नॉर्मल कॉपीज भी काम करता है, और मतलब मेरे अकॉर्डिंग यार वो लीनियर वाले में क्या है कि गलतियाँ नहीं होती, बहुत हम लोग को आसानी रहता है उस पर काम करने में, तो वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब कॉपी कमांड जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, ऑटो कैड में भी यूज़ करते आए हो, रेविट में भी यूज़ करते आए हो, यार मैं जो वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे आपसे भी हेल्प चाहिए। हेल्प ये है कि आप अपने दोस्तों तक यार इसको शेयर करो, जब शेयर करते हो तो व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आते हैं तो हमें लगता है नहीं यार हमें करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारा वेट करते हैं और हमें एनर्जी आती है, ऑफिस से आने के बाद थोड़ी सी एनर्जी की कमी हो जाती है, बट आपकी एनर्जी को देख के कल हमें कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, और कमेंट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने कमेंट करके बोला सर टेक्ला पे भी वीडियो बनाइए, तो मैं टेक्ला पे इसीलिए आज टेक्ला पे लाया। नेक्स्ट वीडियो एक और बनाने वाला हूँ इसी से इन्फॉर्मेटिव, और एक वीडियो में मैं बताऊंगा सैप और ईटेप्स में क्या डिफरेंस है, वो एक बच्चा था वो कन्फ्यूज था वो, तो उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा यार, अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसको वेट करें, मैं संडे को उसको बता दूंगा अच्छे से और आप सबको भी बताऊंगा। चलिए तो हम लोग देखिए इस तरीके से हमने कॉलम्स लगा दिए राइट। अब कॉलम्स लगाने के बाद यार कॉलम ऐसे तो लगेंगे नहीं, अब कॉलम्स में क्या लगाना पड़ेगा, फुटिंग्स लगाना पड़ेगा। यहाँ देखिए पैड फुटिंग होती है, ठीक है हमने पैड फुटिंग लिया, पैड फुटिंग लेके जस्ट इस पे जैसे आएंगे क्लिक करेंगे, तो आप बोलोगे सर साइज, मैंने बोला हाँ भाई यार साइज तो तुम दे सकते हो, कैसे दे सकते हो साइज, ये देखो ना बगल में प्रॉपर्टी जैसे सेलेक्ट करते हो आप, कितना अच्छा हो चुका अभी टेकला, पुराना वर्जन ऐसे नहीं था, उस पर डबल क्लिक करके जाके सही करना होगा, अभी तो खुद ही आ जाता है। तो आप जैसे चाहिए, आपको मिडिल में रखना है कि रोटेट करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखना है, बॉटम में कितना लेके जाना है, इसको सब कुछ आपको बता देता है आज के टाइम में। और इसके बाद अब इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे हमने कॉपी कमांड किया, मैं ये बोलूँगा 19 यार मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा है, मतलब 2019 अगर पुराने वर्जन को कंपेयर किया जाए तो मैं तो जब से मतलब आज मॉर्निंग से इसको इंस्टॉल किया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सारे टॉपिक कवर कर दूँ आपके जितने भी मुझे
अब इसके अच्छे नॉलेज है, तो मैं करूँगा इसको और एक एक करके डेली लिख आऊँगा कुछ ना कुछ नया इसमें। और आपको और किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग के 13 सॉफ्टवेयर को पढ़ाता हूँ, 13 सॉफ्टवेयर पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ, और 13 सॉफ्टवेयर पे मैंने अपनी ये थोड़ी बहुत अच्छी पकड़ बनाई है। सो आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए कमेंट करिए नीचे कि सर ये कमेंट ये सॉफ्टवेयर चाहिए। और मैं वैसे पुणे में रहता हूँ, तो आपको अगर कभी पुणे में आना हो तो आप मिल सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसको तैयार कर दिया, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा पैड फाउंडेशन क्लिक किया, हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यार हमें इसके ऊपर बीम्स लगानी है। तो बीम्स लगाने के लिए बहुत ही इजी का तरीका है, क्या तरीका है, यहाँ पे बीम लीजिए और बीम लेने के बाद इसके सेंटर से, अब देखिए मैं 3D में काम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप 3D में काम करो। अब हम लोग दिन में काम करते हैं इसलिए हमें 3D में प्रैक्टिस हो गई है, अदरवाइज 3D में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि टॉप व्यू से कैसे बनाएंगे। अगर टॉप व्यू से बनाना बहुत ईजी है पर काफी लोगों को नहीं पता रहता है तो उनको प्रॉब्लम जाएगी। अब आपको मैंने बता रखा है कि अभी हम लोग जब ग्रिड सेट कर रहे थे जे डायरेक्शन में, तो 3000 5000 से बताओ ऐसे किया था ना, तो देखिए उसका बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा, अगर इस पे मैंने क्लिक करके राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट व्यू पे गए और क्रिएट व्यू पे जाके हमने अलोंग ग्रिड लाइन ले लिया। ये पूछता है कि कहाँ से देखना है, तो मैंने कहा क्रिएट करो यार, क्रिएट किया मैंने, बोला इसको ना मुझे 3000 से देखना है। तो उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप 3000 से देख लीजिए। ये देखिए हमने 3000 से देख लिया और इसको करके ओके कर दिया और ओके कर दिया इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास प्लान व्यू आ गया ना इसका, कितना अच्छा है। और इसके बाद बस आप बीम लीजिए और बीम लेने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा, यार ये ना मतलब सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी है, मेरा लैपटॉप भी थोड़ा सा नाजुक है क्योंकि कमजोर हो चुका है, बुढ़ापा आ गया उसका, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, इस तरीके से बीम लगा दिया और बीम लगाने के बाद इसका साइज तो चेक कर लो, कल को पता चला साइज इसका गड़बड़ है, आपको समझ आया बहुत बड़ा बड़ा है। तो मैंने बोला हाँ यार, तो अपन छोटा छोटा कर देते हैं बीम का साइज को, कितना रखते हैं 300 कर देते हैं, 300 इधर से कर दिया, इधर से कर दिया। और उसके बाद मैंने कहा M25 ही यूज करते हैं, 30 तो बहुत कम यूज होते हैं। आपको सिर्फ इस प्रपोजल याद होना चाहिए 25 का 112 होता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है इंटरव्यू पूछने के, इंटरव्यू के गाइडलाइंस के लिए आप मेरे वेबसाइट को प्रिफर करो unixsivil.com, उसमें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए यही प्रिपरेशन करवाता हूँ, एक्चुअली मेरा मेन काम इंटरव्यू को प्रिपरेशन करवाना है, तो आपको उसमें काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा। और आपको भी जॉब वगैरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स है, आपको सिविल इंजीनियरिंग में जॉब चाहिए, आप भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसके भी तैयार कर दिए। देखो यार टॉप व्यू से कर रहे हो ना तो बहुत आसान हो रहा है काम, अब इस 3D व्यू से करते तो आपको पता है अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर चलाए हैं तो कभी इधर क्लिक हो रहा है कभी उधर क्लिक हो रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ से लिया और यहाँ से लेके आज के वीडियो में हमने बीम कॉलम और बीम कॉलम को लगाना सीखा है और ग्रिड को कैसे एडिट करते हैं ये सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा अभी, इसके लिए मैं देखूंगा कि आपके क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और अगर आपने अच्छे अच्छे इसमें कम से कम 1000 लाइक हमें दे दिए तो डेफिनेटली मैं सारे के सारे मतलब टेक्ला में तो कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको पेड खरीदना पड़े, फिर आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करके दे दूंगा आपको। मुझे क्या चाहिए, 1000 लाइक्स। सो आप सोचो और आप अपने दोस्तों को शेयर करा दो यार। ये हमने कंप्लीट कर दिया, तो हमने इस तरीके से बीम्स कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग इधर भी बीम लगाना पड़ेगा, तो इधर से बीम लिया और बीम लेने के बाद यहाँ पे गया और यहाँ से यहाँ पर क्लिक किया। अब आप एक साथ मत लगाना, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि बीम ही तो खींचना है लाइन से, तो एक साथ खींच दे, नहीं भाई एक साथ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए सेंटरिंग बनानी पड़ेगी, सेंटरिंग उसी हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए सेंटरिंग कैसे बनाएंगे उसके बारे में। तो उस एक एक स्पैन का ही हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं, एक एक स्पैन का ही मॉडलिंग करना है। कंप्लीट कर लेता, काफी मतलब ऐसे इजी काम है, बहुत टफ नहीं है। जैसे इसको सेलेक्ट करना है यार, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, क्योंकि वापस जाना है ना, तो यहाँ पे जाके 3D कर दो, ठीक है। आप 3D में आ गए तो इस तरीके से आपको 3D मिलेगी, ठीक
ये देखिए प्रॉपर आपको मिल गया ना, कैसे, ये देखिए यहाँ पे आपके पास पैड फाउंडेशन मिल गया, यहाँ पे आपके पास बीम्स मिल गए, ये देखिए यहाँ पे बीम्स मिल गए, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास कंप्लीट रेंडर व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अभी छोटा सा काम किया, अभी ज़्यादा काम नहीं किया, कल इसी वीडियो में और मतलब इसी प्रोजेक्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर ना रेनफोर्समेंट डालेंगे हम लोग, और रेनफोर्समेंट डालने के बाद देखेंगे कि रेनफोर्समेंट डालने के बाद कैसे दिखता है, और फिर इसी को कॉपी करके नेक्स्ट फ्लोर बनाएंगे, और नेक्स्ट फ्लोर बनाने के बाद इसकी डिटेलिंग करेंगे कि इसकी डिटेलिंग कैसे कैसे होंगी, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इंट्रोडक्शन ही था। इंट्रोडक्शन के अलावा हमने ग्रिड देखा, ग्रिड को कैसे सेट करते हैं, ये हम लोग कैसे यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स होते हैं, इसको एक एक करके डिस्कस कर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपोनेंट्स के अंदर अगर देखो अगर आप, तो यहाँ पे प्रीकास्ट के सारे मेंबर्स मिल जाएंगे। जैसे कटिंग टूल मान लो, देखो कटिंग टूल में दिखाऊँ अगर आपको, ये देखिए सारे टूल्स आपके पास रखे हुए, एक एक करके सारे टूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे निकलते हैं, डिटेलिंग के सारे टूल्स हैं आपके पास। ये देखें, ये देखिए प्रीकास्ट में यूज होता है सबसे ज्यादा, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत ढेर सारे यूज हुए हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टील डिटेलिंग के बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट इसके अंदर है, और यहाँ से इसके अलावा भी हम लोग एक्स्ट्रा भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वेयर हाउस कैसे डाउनलोड करते हैं। तो हम लोग स्टील डिटेलिंग, कॉमन टूल्स, ये सारों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्टील डिटेलिंग में क्या देखना है, मान लीजिए बीम टू बीम कनेक्शन हमको लगाना है, कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना अच्छे से कनेक्शन आपको दिए हुए हैं। मैं बताऊंगा कहाँ पे एंड प्लेट लगता है, कहाँ पे क्लिप लगता है, कहाँ पे फिटिंग लगती है, कहाँ पे फुल डेप्थ लगता है, एक एक करके हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जैसे कि ये देखेंगे कि कैसे किसी बीम को तोड़ना है, स्प्लिट करना है, कंबाइंड करना है, इस पर सरफेस लगाना है, मतलब इस वॉल जैसा टेक्सचर देना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ग्रिड को एडिटिंग करने के लिए आप इसको यूज़ करके देखना। सबसे पहले क्या करो, अगर आपको ये पूरा का पूरा टेक्ला सीखना है तो टेक्ला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, और उसके बाद आप मेरे से एक एक वीडियो को देखते जाओ। मैं ये पार्ट वन बना रहा हूँ, मैं 20 पार्ट्स तैयार करूंगा इसके टेक्ला के, और 20 डेज में कर दूंगा, उसमें आपको इनफ नॉलेज हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो यार इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो बाय।